हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये होने वाली है आप लोगों के क्वेश्चंस और मेरे आंसर्स। डेफिनेटली यार, काफी सारे लोग हैं जो मुझसे कहते हैं कि सर आप जो है काफी टाइम जो है वो नहीं दे पाते हमें, या फिर जो आंसर्स है हमारी क्वेरीज के वो नहीं दे पाते। तो ये जो सीरीज है मैंने स्टार्ट की है जहां पे हम जो हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर हम देने वाले उन लोगों के आंसर जितने सारे लोग हैं। और आज इस सीरीज के लिए हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो है अमित, लक्की एंड आदित्य। वो अगर ये सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन सबको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है रिगार्डिंग ट्रेडिंग या फिर कुछ भी जानना चाहते हैं अबाउट मी या फिर मेरे से रिलेटेड कुछ, तो डेफिनेटली इनके आंसर आज इन सबको मिलने वाले हैं। और वीडियो को पूरा देखने में आपका क्या फायदा होने वाला है, डेफिनेटली जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो आप लोगों के लिए भी कॉमन क्वेश्चंस हैं। वो जो क्वेश्चंस हैं जो सब्सक्राइबर्स को जनरली प्रॉब्लम्स आती हैं, वो प्रॉब्लम्स आप लोगों को भी आती है या आ सकती है इन फ्यूचर। तो लास्ट तक देखना यार, और मजा आने वाला है। कुछ नया स्टार्ट किया है और आप लोगों से इंटरेक्शन अच्छा हो और इंगेजमेंट अच्छा हो, इसीलिए स्टार्ट किया है ये वीडियो। और उम्मीद करूंगा पसंद आएगा, लाइक करके आगे बढ़ जाना। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब कर देना एंड चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो आज अमित है हमारे साथ, लक्की है, आदित्य है। तो लक्की अपने बारे में यार कुछ बताना तो बता दो, कहाँ से हो, क्या करते हो? भाई राजस्थान से हूँ, स्टूडेंट, बस बीएससी पास करी है अभी। और ट्रेडिंग को भाई आपके चैनल से जनवरी से फॉलो कर रहा हूँ और अभी तक ठीक ठाक ही है प्रॉफिट। अरे सही है सही बस है। मेरे को हाँ बोलो बोलो बोलो। मेरे को भाई क्वेश्चन पहले तो ये पूछना है, अगर आपके अकाउंट से मैं आपके लिंक से मैंने कोई अकाउंट बना रखा है और मैं उससे एक और अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ उस अकाउंट को ब्लॉक करके, तो इससे रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? देख यार, ये जो क्वेश्चन है ना यार गाइस, काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कमेंट सेक्शन में और मैं बहुत सारे लोगों को रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। तो आदित्य ने माफी चाहूंगा, लेकिन अच्छे क्वेश्चन पूछा कि भाई अगर अगर कोई सब्सक्राइबर है जो अपना जो प्रीवियस अकाउंट है उसको बंद करके मेरे अकाउंट से ओपन करता है तो उनको यार जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो प्रॉब्लम जो आती है ना लकी, वो आती है यार यहाँ पे पेमेंट मेथड्स के साथ, यानी विड्रॉ और डिपॉजिट आप करते हैं उन मेथड्स के साथ आपको प्रॉब्लम आएगी। तो और कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, जो ईमेल आईडी आप यूज करोगे वो दूसरी ईमेल आईडी यूज करना, ठीक है? मतलब कहने का मतलब है जो पुरानी ईमेल आईडी मत यूज कर लेना, दूसरी ईमेल आईडी यूज करना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड उसके बाद जो बात करते हैं पेमेंट मेथड के, में कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको इससे। पेमेंट मेथड में अगर आप स्क्रिल यूज कर रहे हो, पेपाल यूज कर रहे हो, तो वही पेमेंट मेथड आप यूज कर सकते हो। मतलब हाँ, ग्लोब पे भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आदित्य, आदित्य मेरी आवाज सुनिए तुम्हें? हाँ जी सर, सुनाई दे रही है। हाँ तो यार अपने बारे में बता दो कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स को, अपने भाइयों को, कहाँ से हो, क्या करते हो? सर मैं हिमाचल प्रदेश से और मैं स्टूडेंट हूँ और मेरे को एक मंथ हुआ है आपके चैनल से जुड़े हुए, और यानी कि साथ साथ आपकी जो भी वीडियो वगैरह फॉलो वगैरह करता हूँ तो ठीक ठाक काम कर रहा हूँ। अरे सही है सही यार, सही है सही है। तो और आदित्य कोई क्वेश्चंस हैं? मतलब अगर जैसे ट्रेडिंग तो कर ही रहोगे अभी, 18 से प्लस लगते हो ना तुम, स्मार्ट हो यार लेकिन बड़े, 18 प्लस हो, 18 प्लस हो तो बताओ। सबसे स्मार्ट आप हो यहाँ पे। नहीं नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर कोई क्वेश्चंस है तो बताओ यार, अगर कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो, कि मतलब कोई दिक्कत आती है कुछ भी ऐसी करके, तो आप पूछ सकते हो आराम से। सर बहुतों को दिक्कत होती है जैसे स्क्रील वगैरह, उसमें मनी कैसे ऐड करें, जैसे कभी कभी वीजा पेमेंट मेथड से किसी के ऐड नहीं होते हैं तो अनदर मेथड से उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना दो आप सबके लिए, क्योंकि बहुत पूछते हैं कि हमारे वीजा से ऐड नहीं हो रहे हैं पैसे। मैं बिल्कुल समझ गया, मतलब वीजा से प्रॉब्लम आती है ना, वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड से। तो देखो यार ओलिम ट्रेड में अगर आप करते हो ना तो ओलिम ट्रेड में कई बार आपको वीजा कार्ड पे प्रॉब्लम दे देता है, और अगर आप बायनामो में करते हो तो वहां पे आईक्यू ऑप्शन और बायनामो में मास्टर कार्ड में आपको प्रॉब्लम दे देता है। तो इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ आपको। ओलिम ट्रेड के अंदर अभी सारे मेथड्स आने वाले हैं लगभग प्रायोरिटी पे, विद इन अ वन वीक और विद इन अ टू वीक आपके पास ये रुपए कार्ड एंड यूपीआई मेथड सारे आने वाले हैं। तो ये लोकल बैंक से आपके ट्रांसफर होंगे तो सारे प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? और अगर बात होती है एक वीडियो बनाने की तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर एक वीडियो बनाने के बारे में सोचूंगा, जहां पे मतलब वीजा और अगर आपके पास मास्टर कार्ड नहीं है या प्रॉब्लम फेस करते हो तो उससे रिगार्डिंग हम क्या बेटर कर सकते हैं, तो इसके ऊपर मैं डेफिनेटली एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। अमित आज चुप कैसे हो यार, क्या चक्कर आज चुप कैसे? बहुत सही हो, आप बताओ कैसे हो? नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। तो कैसा लग रहा है यार मेरी वाला आइडिया अपना?
कि जो सब्सक्राइबर्स हैं काफी सारे लोग हैं, बात नहीं कर पाते हैं, मतलब एक चीज होती है हमेशा कि जब हम स्टार्ट करते हैं कोई चीज, जब इतने सारे कमेंट्स आते हैं, इतने सारे मैसेजेस आते हैं, पर डे 2-3 हजार मैसेजेस आ जाते हैं, तो उनका रिप्लाई तो कर नहीं पाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है। अब ये सीरीज अगर हम रोज कंटिन्यू करते हैं डे बाय डे, एक दिन में एक वीडियो डाल दी, तो कम से कम 2-3 सब्सक्राइबर से बात कर पाएंगे और मुझे लगता है मजा आएगा काफी। उनकी जो मतलब मेजर क्वेरीज होंगी ना, वो जो सोचते होंगे जैसे कोई इंपॉर्टेंट क्वेरीज है या लगता है कि मेरे से पर्सनली बात करने की जरूरत है अबाउट लॉसेज या कुछ भी, तो डायरेक्टली बात कर सकते हैं, या क्योंकि बहुत सारे लोग भी फ्रॉड करते हैं ऐसे मामले में, तो उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए या फिर बी अवेयर, पहले से अवेयर हो जाए वो सारी चीजें, ठीक है। तो ये चीजें मुझे इसीलिए लगा कि ठीक है। तो गाइज आप लोगों को कैसा लगा इस सीरीज के बारे में कमेंट करके जरूर बताना, और कमेंट के साथ हैशटैग टेक्निकल अभी यूज करना बिल्कुल मत भूलना यार, ठीक है। और लकी फिर कुछ और आपको पूछना, आपके पास तो बहुत सारे क्वेरीज है यार। एक तो आपके नाम पे जो वो होते हैं ना फ्रॉड, आप कभी अपने कमेंट सेक्शन चेक करो, जैसे आप वीडियो अपलोड करोगे, मतलब जनरली मैं ही होता हूँ जो फर्स्ट कमेंट करता हूँ, लेकिन उससे पहले ना कुछ अलेक्जेंडर टाइप करके वो आ जाते हैं, वो व्हाट्सएप नंबर वगैरह डालते हैं, तो जो लोग नए हैं भाई उनको बिल्कुल बहुत अच्छी बात करी यार लकी आपने, बहुत अच्छी बात करी, और सीरियसली आई अप्रिशिएट दैट। गाइज एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ, बहुत सारे फॉरेनर्स हिंदी में कमेंट करते हैं, या फिर उनका जो कमेंट करने का पैटर्न होता है सिमिलर होता है अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग से। तो वो कहते हैं कि भाई मैं पहले बहुत लॉस में था, जैसे बिचारे वाले टाइप, मैं पहले बहुत लॉस में था, अब जाके मैं प्रॉफिट में आ गया हूँ, मुझे इसने हेल्प करी है, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कभी भी उस व्हाट्सअप नंबर पे या तो कॉल या फिर व्हाट्सअप का मैसेज बिल्कुल मत करना, बहुत ज्यादा नुकसान में जा सकते हो आप, क्योंकि वो लोग आपको इन्वेस्टमेंट प्लान के झांसे में फंसा लेते हैं। तो अगर क्या होता ना, मैंने बहुत सारी कमेंट को हाइड की है, रिमूव की है, रिपोर्ट की है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ना, नया अकाउंट बना लेते हैं, नया अकाउंट बना लिया तो फिर क्या कर सकते हैं यार, मतलब एक अकाउंट और बना लेंगे, एक अकाउंट को ब्लॉक किया दूसरा बना लेंगे, तो इसी वजह से कोई फायदा नहीं हो रहा। आप लोगों को अवेयर रहना है अगर आपको मेरे नाम पे कोई भी फ्रॉड करता है, क्योंकि मैं किसी से भी कोई भी पैसे की डिमांड नहीं करता हूं। अगर मेरे नाम पे कोई आपसे पैसे मांगता है कि भाई टेक्निकल अवी के ग्रुप से हूं मैं, या मैं टेक्निकल अवी के चैनल से बोल रहा हूं, आपको मैं पैसे दे दूंगा, तो वो चीज मैं बिल्कुल नहीं करता हूं। दूसरी चीज कि एक चीज यार, काफी सारे लोग अपना नंबर कमेंट में शेयर कर देते हैं, नंबर शेयर करके वहां पर लिख देते हैं कि सर मेरी हेल्प करो, मुझे कॉल करो, भाई मैं किसी वहां पे कमेंट में नंबर किसी को शेयर नहीं करना है, क्योंकि आपका नंबर किसी और के पास चला जाता है, स्कैमर्स होते हैं, फिर वो आपको कॉल करते हैं, ऐसा केसेस मेरे साथ काफी हुए, मेरे को 3-4 लोगों ने कहा कि सर आपने मेरे से पैसे ले लिए, मैंने बोला मैंने कहां पैसे ले लिए, कहता कि सर मैंने आपके कमेंट सेक्शन में नंबर डाला था, मुझे किसी ने कॉन्टेक्ट किया, बोला कि मैं टेक्निकल अभी बोल रहा हूँ, मुझे 500 रुपए दे दो, मुझे 1000 रुपए दे दो, मैं आपके लॉस रिकवर करा दूंगा। भाई ऐसी कोई सर्विसेज मैं नहीं देता हूँ, पहली बात किसी से मैं कोई पैसे की डिमांड नहीं करता हूँ। अच्छा था यार लकी तेरा क्वेश्चन में, ताकि लोगों को थोड़ा अवेयरनेस बढ़े इस चीज से कि लोग ऐसे मतलब फालतू में। हाँ आदित्य का भी नेटवर्क ठीक ठाक आया है, तो आदित्य अभी बात कर सकता है, इसने माइक म्यूट कर रखा है। हाँ आदित्य अभी नेचर के सब पास हो यार, आदित्य लगता है तुम। हाँ जी सर, हिमाचल में ही है। हाँ जी हाँ, सिग्नल प्रॉब्लम बहुत होती है यहाँ पे तो। हाँ बिल्कुल सर, ट्रेडिंग से रिलेटेड ये था कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है ट्रेडिंग के लिए। देखो यार ठीक है, ट्रेडिंग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है, इसके लिए है ना अपने आप को लाइक हमें ये समझना पड़ेगा कि आप ट्रेडिंग करते हो ना जैसे आदित्य, तो आपका गोल क्या है। अगर आप लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हो ना ट्रेडिंग में, तो ऐसे ब्रोकर को ढूंढो, यानी ऐसे प्लेटफॉर्म को ढूंढो जिसकी रिलायबिलिटी अच्छी है और जो रेगुलेटेड है। अब रेगुलेटेड की बात करते तो IQ ऑप्शन बहुत अच्छा ब्रोकर है, ठीक है, रेगुलेटेड है IQ ऑप्शन। अब मैं ये नहीं कह सकता कौन सा बेस्ट है, क्योंकि सारे तो सर्विसेज एक ही प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अगर शॉर्ट टर्म में जाते हो तो ओलिम्पट्रेड बेस्ट है आपके लिए, और अगर आप चाहते हो ये देखना चाहते हो कि भाई जो आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और अच्छा जिस इंडियन करेंसी आपकी डिपॉजिट हो जाए, तो उसके लिए बैनमो बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हो कि मेरे को ऐसा ब्रोकर चाहिए जो रेगुलेटेड हो, जो आप रेगुलेटेड रेगुलेशन हो जिसके पास, इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो, बाहर की गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो, तो IQ ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। मतलब इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। आपको अब देख लो, मैंने आपको तीनों चारों ब्रोकर्स के बारे में बता दिया जिसके साथ मैं काम करता हूँ, और बात करते हैं एक्सपर्ट ऑप्शन और आयरन ट्रेड की, तो यार मैं उनके साथ काम नहीं करता, तो मुझे कुछ खास अच्छे नहीं लगते, मतलब इंटरफेस भी अच्छा नहीं लगता, और तो इसी वजह से तो मैं इनके साथ काम करता नहीं हूँ। ये है अमित, क्या चल रहा है फिर महाराष्ट्र में? एक सवाल था मेरा,
हाँ हाँ पूछ पूछ। महाराष्ट्र में तो पता ही है आपको क्या चल रहा है हलचल कोरोना का, बहुत ही बड़ा। हाँ, एक क्वेश्चन था, जो ट्रेडिंग की लिमिट आती है वो क्यों आती है, मतलब कैसे गया? वो जो लिमिट बताते कि आप इतने के ऊपर ट्रेड नहीं ले सकते। बिल्कुल बिल्कुल। आ देख, आप लिमिट में जा, लिमिट में क्या होता है बेसिकली, लिमिट भी डिवाइड होती है गाइस। अब मैं बताना चाहूंगा, जो भी वीडियो देख रहे हैं, काफी सारे क्वेरीज आती है मुझे लिमिट से रिगार्डिंग। अच्छा क्वेश्चन था अमित। क्या होता है ना, आप लोग जब 10-15 ट्रेड ले लेते हो, लॉस कर जाते हो, तो उसके बाद क्या आता है कि आप आगे ट्रेड नहीं ले पाते हैं उस करेंसी पे। वो लिखा हुआ जाता है कि आपका लिमिट पूरा हो गया, आप नेक्स्ट डे मतलब 24 आवर्स के बाद कोशिश करो। तो उसमें क्या होता है ना, अगर आपका वीआईपी एक्सेस है आपके अकाउंट के पास, तो वहां पे जरूर आपके पास लिमिट होती है। लेकिन अगर आपका अकाउंट वीआईपी नहीं है, तो आपके पास वहां पे लिमिट नहीं आती है। लिमिट का मतलब, जब आप पर्टिकुलर एक सर्टन लिमिट तक लॉस कर जाओगे, सपोज करो यार आपके अकाउंट में $15-20 का अमाउंट है, आपने एक एक डॉलर की 10-12 ट्रेड ले ली, तो आप लॉस कर गए, तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली ऑल इन ट्रेड नहीं चाहता कि आप एक ही दिन में अपना बैलेंस खत्म कर लो, इसलिए वो लिमिट लग जाती है। तो लिमिट का क्या होता है ना, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर टाइम है लिमिट का, या फिर पर्टिकुलर ट्रेड्स हैं कि इतनी ट्रेड लोगे तो लिमिट लग जाएगी। वहां पे जो रेशियो रहता है वो लॉसेस का रहता है। आप अगर इतना लॉस कर रहे हो 24 आवर्स के अंदर, तो उसके बाद आपकी लिमिट लग जाती है। तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो रहता है, मैं समझ गया। और एक सवाल था, जो अपने अपने को जो बोनस मिलता है और जो अपन डिपॉजिट करते हैं, हाँ, तो जो डिपॉजिट निकल लिया तो बोनस का यूज कर सकते हैं यार? ये क्वेश्चन मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं। अगर $6 का ये मिल रहा डिपॉजिट, ये सेम क्वेश्चन आदित्य का भी है, सॉरी लक्की का भी है, लक्की का भी। हाँ तो ओके, जस्ट अ सेकेंड। कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल था। तो यार अमित, अगर हम बोनस निकाल लेंगे तो यार कैसे ट्रेडिंग करेंगे? बोनस मतलब, अगर आप देख यहाँ पे ना, स्मार्ट प्ले मत कर, थोड़ा सोचने की कोशिश कर। अमित, मेरी आवाज आ रही है तुझे? हाँ बोलो। हाँ तो मैं कह रहा था, अमित स्मार्ट प्ले मत कर, थोड़ा सा सोचने की कोशिश कर यहाँ पे कि यार देख, अगर तूने पूरा $10 डाला, $10 पे अगर तू अपना कूपन यूज करता है, तो तेरे को $16 हो जाएंगे, $6 का तुझे बोनस मिल जाएगा, ठीक है? तू अगर $10 निकाल लेगा, तो ऑलिम ट्रेड वाले बेवकूफ बैठे वहां पे, जो तेरे को $6 बोनस से खेल ले देंगे। मतलब तूने दिमाग कितना लगाया, $10 डाले, 10 वापस निकाल लिए, 6 जो बच गए तू उससे ट्रेड ले लेगा। ये चीज नहीं होने वाली है। बहुत जन सोचते होंगे ना? हाँ सोचते बहुत सारे। तो मैं सबको बोलना चाहूंगा, सारे लोगों को बोलना चाहूंगा गाइज, ऐसा नहीं होता है। बोनस जो होता है ना, वो होता है सिर्फ आपकी लॉस रिकवरी के लिए। यानी देखो, ऑलिम ट्रेड स्मार्ट है भाई, ये ब्रोकर्स भी पैसा कमाने के लिए बैठे हुए। जितने भी ब्रोकर्स हैं आपको बोनस देते हैं, तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। लेकिन ऑलिम ट्रेड के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, ठीक है? तो यार यहाँ पे क्या होता है ना, कि जब आप बोनस लेते हो ऑलिम ट्रेड के साथ, तो वहां पे अगर आपने $16 हो गए आपके, $10 डिपॉजिट किए, $6 का बोनस हो गया, तो जब आप वो $10 हार जाओगे ना, तो वो $6 होंगे आपको रिकवरी के लिए, कि आप वापस वो $10 कर लो $6 से, समझ रहे? तो ये है बोनस, इसलिए यूज होता है। ऐसा नहीं कि आप जो है $10 निकाल लोगे, या फिर बोनस से, सपोज उस $6 के बोनस से तू $100 कर लेगा, वॉल्यूम ट्रेड को तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, $94 का, ठीक है? समझ रहा है? वो इतना नुकसान नहीं झेलेगा ना एक यूजर्स पे। तू सोच अमित, किसी ने अगर $1,000 डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, और उसने ले लिया 60% का बोनस। बता दो सबको कि जो आपके लिए, हाँ अमित, लकी पूछ क्या बोल रहा है। अगर जैसे जो बच्चे आपके लिंक से वो करते हैं, ओलंपिक डेट की आईडी बनाते हैं, वो उसी दिन आपके पीछे पड़ जाते हैं, उससे रिलेटेड बता दो भाई, जो आपने बताया था कि 2 दिन बाद ही अपडेट होती है लिस्ट। हाँ तो 2 दिन तक शांति बनाए रखें। तो लक्की, पहले मैं बताना चाहूंगा कि बच्चे नहीं होते हैं, क्योंकि पहले करेक्ट करना चाहूंगा तुझे। हाँ क्योंकि जितने भी लोग हैं वो 18 प्लस ही होंगे, तो उनके पास डिसीजन मेकिंग की पावर है खुद की, ठीक है? और मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि 18 साल से कम का कोई बंदा ट्रेड लो, क्योंकि यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व होती है। अगर आप फाइनेंशियली कैपेबल नहीं हो उस चीज को हैंडल करने के लिए, तो यहाँ पे आप फिर ना ही आओ। क्योंकि ट्रेडिंग में मैं सिंपली बता देता हूँ, ऐसा बिजनेस है कि अगर आपके पास ऐसा पैसा है जो आप इन्वेस्ट करके उसका रिटर्न लेना चाहते हो, दैट्स गुड। बट अगर आपके पास ऐसा पैसा है जो बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, और वो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो इस बिजनेस में, तो मैं सजेस्ट कभी नहीं करूंगा कि इस बिजनेस में इन्वेस्ट करो। दूसरी चीज, तेरी जो क्वेश्चन था, मतलब तेरी जो बात थी लकी, कि गाइज बिल्कुल जो लिंक से रजिस्टर होते हैं ना ग्रुप में ज्वाइनिंग के लिए, तो यार वो थोड़ा सा वेट कर लिया करो, कि जो लिस्ट है ना, जो लिस्ट आती है रजिस्ट्रेशन की, वो 1-2 दिन बाद आती है। तो सपोज करो जो आज रजिस्टर किया है, तो वो 2 दिन तक वेट कर लो, आपको रिजल्ट मतलब रिप्लाई जरूर मिल जाएंगे।
मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, लगभग सारी कमेंट्स पढ़ता हूँ, बहुत सारी कमेंट्स आती है कि सर मैंने कल आपको मैसेज भेजा था, आपने अभी तक रिप्लाई नहीं किया। तो यार उन लोगों को कह रहा हूँ थोड़ा सा वेट कर लो यार, हो जाता है काम, ये चीज है। तो यार आज तो बिल्कुल टीवी के जैसे डिबेट होती है वैसी फीलिंग आ रही है, और फर्स्ट टाइम ऐसा करके किसी के साथ लाइव हूं मैं अमित, और वो भी कितना टाइम हो गया हमें लाइव पे, आई थिंक हो गया लगभग 15 मिनट के। अच्छा 15 मिनट के ऊपर हो गए। तो यार आदित्य कुछ और पूछना है, लकी कुछ और पूछना है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पूछ लो, फिर यहाँ पे एंड करते हैं इसको डिस्कशन को। ओलंपिक एट से नहीं आएगा कि फ्रॉड ना हो जाए, तो इसलिए ज्वाइन नहीं करते हैं वो। फ्रॉड मंथ इन सारी वेबसाइट को विड्रॉल से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन होते हैं सभी। बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ गया आदित्य जो पूछना चाह रहा है। बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया है, मतलब कहने का मतलब है क्वेश्चन छोटा है लेकिन आंसर बहुत बड़ा जाएगा इसका। क्यों? देखो गाइस, बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं लीगल है या नहीं, ओलिम ट्रेड लीगल है या नहीं, बाइनरी ऑप्शंस लीगल है या नहीं, या फिर फॉरेक्स ऑप्शंस लीगल है या नहीं। तो भैया उन लोगों को क्लियरली कह देता हूं यार, ठीक है, ये बाइनरी ट्रेडिंग है या फिर फॉरेक्स की बात करते हैं, कुछ पेयर्स को छोड़ दो तो पार्शियली लीगल है पार्शियली इलीगल है इंडिया के अंदर। ऐसे बहुत सारे नॉर्म्स हैं, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल है इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर इंडिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जहां पे 100% ये ऑप्शन लीगल नहीं है। तो लीगल नहीं है इसलिए यहाँ पे क्या होता है ना, इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्ट लागू किया हुआ है जिसको बोलते हैं फेमा एक्ट। अगर आप वो रीड करते हो ना गूगल से तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इससे रिगार्डिंग। तो अब क्वेश्चन ये आता है ना लोगों के मन में आता है कि भाई फ्रॉड तो नहीं कर जाएंगे या फिर ये, तो यार उसके लिए मैं आपको सिंपल से कहना चाहूंगा, अगर आप वेरिफिकेशन करके चलोगे अपने वॉलेट का, अपने ब्रोकर का वेरिफिकेशन करके चलोगे, आप अच्छे बैंक का यूज करोगे जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को वैलिड करता है, आपके बैंक के पास एक स्विफ्ट कोड होना चाहिए, यानी जिस ब्रांच से आप अपना अकाउंट ओपन करोगे उसके पास एक करेंसी एक्सचेंज कोड होना चाहिए, ये चार पांच चीजों का अगर आप ध्यान रखते हो ना तो आपका जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी विड्रॉ में भी और डिपॉजिट्स में भी। अगर और एक और चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, विड्रॉज जो लोगे वो रेगुलर बेसिस पे मत लो, $300 से कम के विड्रॉ लो, यानी $300 तक के विड्रॉ लो वन टाइम पे एक बार में, क्योंकि यार ऐसा रहता है ना बड़े बड़े विड्रॉज लेते हो क्योंकि डॉलर्स में विड्रॉ है तो लोगों के मन में वैसे ही डाउट आ जाते हैं। तो 300 का ले लो, ऐसा मैं तो हजार के भी लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन ऐसा मैं सजेस्ट करता हूँ क्योंकि भाई जब क्या बोलते हैं जब हम किसी रोड पे भी जाते हैं वहां पे लिखा होता है स्पीड लिमिट 50, बट एक्चुअली वो रोड क्लीन होती है, आप 70 पे भी भगा सकते हो। तो बस वही एक सेफ्टी लेके चलते हैं, तो यार $300 तक का डिपॉजिट रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जिन लोगों को लगता है कि लीगल है या इलीगल है वो फेमा एक्ट को रीड कर लो। अब फेमा एक्ट को मैं बता भी देता हूँ फेमा एक्ट है क्या, जो नहीं रीड करना चाहते या फिर जो सोचेंगे टाइम वेस्ट होगा। यार गाइज फेमा एक्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे ना आपके साथ अगर कोई फ्रॉड हो जाता है इस बिजनेस के अंदर, या तो आप अपनी तरफ से सिक्योर रहो सेफ रहो, अगर आपके पास कोई फ्रॉड हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते इंडियन गवर्नमेंट या फिर सेबी के पास। इसका ये होता है फेमा एक्ट, मतलब आप फ्रीली ट्रेड ले सकते हो, लेकिन अगर आप ट्रेड लेते हो और उसके बाद जो है आपके साथ अगर कोई फ्रॉड होता है तो, मतलब कहने का मतलब अगर आपका पैसा चला जाता है पैसा आता नहीं है, तो आप क्लियरली बात यह है कि आप गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं कर सकते, दिस इज फेमा एक्ट। तो गवर्नमेंट ये भी कहती है कि आप ट्रेड लो, गवर्नमेंट ये भी कहती है ट्रेड मत लो। तो ये अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, हालांकि एक चीज जरूर हुई है कि बिटकॉइन लीगल हो गया इंडिया के अंदर, बिटकॉइन ट्रांजेक्शंस आर लीगल। तो धीरे धीरे करके जो रिलायंस है वो भी जियो कॉइन लॉन्च करने वाला है इन फ्यूचर, और जैसे ये चीजें ग्लोबलाइज होंगी, ये चीजें डिजिटलाइजेशन में आएंगी, तो मुझे लगता है यहाँ पे भी कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आने वाले हैं बाइनरीज के लिए भी और फॉरेक्स के लिए भी डेफिनेटली। लकी ठीक है, हाँ कुछ जो वेरिफिकेशन होता है ओलंपिक ट्रेड से वो हम अपनी तरफ से मतलब स्टेप लेंगे या वो कॉन्टेक्ट कर देंगे कि तुम अपना अकाउंट वेरीफाई कराओ? बिल्कुल नहीं यार, वो लोग नहीं करेंगे, हमें अपनी तरफ से ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों को तो अगर आप लोग वेरीफाई नहीं करोगे और आप विड्रॉ डाल दोगे ना तो वो आपका विड्रॉ को अटका देंगे, तो उल्टा तो उन्हीं का फायदा है अगर आप विड्रॉ नहीं कर, अगर आप वेरीफाई नहीं करते हो तो उनको तो विड्रॉ नहीं देना पड़ेगा आपको, तो वेरीफाई आपको करना पड़ेगा अपनी साइड से। ऐसा नहीं कि वो लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे कि विड्रॉ वेरीफाई करो वेरीफाई करो, वो लोग तो पॉपअप भी नहीं देंगे, सिर्फ आपको ही करना पड़ेगा विड्रॉ। जब सबसे पहले जब अकाउंट क्रिएट करते हो ना तो डिपॉजिट करने से पहले वेरीफाई करो, ऐसा नहीं कि डिपॉजिट कर दिया फिर विड्रॉ के टाइम पे आप उसे वेरीफाई करोगे, नहीं, डिपॉजिट करने के टाइम पे आप क्या करो,
कि विड्रॉ लेने की पूरी श्योरिटी ले लो कि भाई विड्रॉ मुझे मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा करके ये चीज होती है। ठीक है, तो अगर भाई मैं कर चुका हूँ डिपॉजिट, कोई बात नहीं, अगर कर चुके हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं किया है, जैसे काफी सारे लोग जो वीडियो को देख रहे हैं, तो उन लोगों को बता रहा हूँ ये चीज कि विड्रॉ लेने से पहले और डिपॉजिट करने से पहले वेरीफाई करना जरूरी है। अगर आपने कर चुके हो डिपॉजिट और वेरिफिकेशन नहीं किया है तो अभी वेरिफिकेशन कर लो, ज्यादा टाइम मत लगाया उसमें, अभी कर लो वेरिफिकेशन। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ओलिम ट्रेड में क्या है, ओलिम ट्रेड में क्या है, तो अगर कोई दिक्कत, हाँ जी, अरे ओलिम ट्रेड की टेंशन मत ले यार, ओलिम ट्रेड में, ओलिम ट्रेड तो मेरे से ही डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेना, हो जाएगा वेरिफिकेशन। हाँ भी आप ही के लिंक से हर चीज, हाँ हो जाएगा वेरिफिकेशन, हो जाएगा, टेंशन ना ले, फिर भी अपनी तरफ से वेरीफाई में डाल देना, बाकी हो जाएगा। ठीक है, ओके आदित्य, काफी अच्छा लगा यार कि ज्वाइन किया हमें यार, आदित्य एंड लकी काफी अच्छा लगा कि आप लोगों ने ज्वाइन किया यहाँ पे, एंड अमित थैंक यू सो मच यार फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस चैट ऑन दिस लाइक कन्वर्सेशन विद दिस कन्वर्सेशन। ओके एंड गाइस लाइक ऐसे अगर पार्ट्स आप लोगों को और चाहिए तो कमेंट्स में सेक्शन में जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना कि कैसे लगे ये पार्ट्स और कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं चाहते इन सेक्शंस को, इन पार्ट्स को, क्योंकि यार मुझे नहीं लगता कि मैं लाइक मुझसे लोग ज्यादा बात करना चाहते, लेकिन अगर करना चाहते हैं तो जरूर बताना। ठीक है, ओके गाइस थैंक यू सो मच यार फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, फर्स्ट टाइम हो तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हो तो। थैंक यू सो मच गाइस।